जेवी ग्रीन फाउंडेशन द्वारा आज दिल्ली करोल बाग में कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें गाजियाबाद, गुड़गांव, मेरठ, दिल्ली, मेवाड़, गुजरात व मथुरा की समस्त टीम के साथ मौजूद होकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें सबके परिचय के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कमल चुग, जिला अध्यक्ष करोल बाग दिल्ली रहे। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 HD। मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि दर्शकों, हमारे चैनल के माध्यम से जेवी ग्रीन फाउंडेशन के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। जी हां, जेवी ग्रीन फाउंडेशन जैसा कि मथुरा में तो धुएं धड़ल्ले से कार्य करता है, यानी धुएं धड़ल्ले से ब्रजभाषा में बोल रहा हूँ। आज हम आए हैं दिल्ली में। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सम्मान समारोह हुआ। जेवी ग्रीन फाउंडेशन के जगह जगह से कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम हुआ है। मैं अपनी ब्रजभाषा में आपको बता दूँ। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कमल जी, जो कि यहाँ के करौल बाग के जिला अध्यक्ष हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। जी नमस्कार, मैं जेवी ग्रीन फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका जो उद्देश्य है जगह जगह पेड़ लगाना और लोगों को प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में अवेयर कराना, ये बहुत अच्छी बात है और हम सभी लोगों को इन चीज़ों को करना चाहिए। और मैं उनका दोबारा धन्यवाद करता हूँ, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगराम जी का, जिन्होंने ये सभी परिवार, सभी लोगों को जो प्रकृति के नेचर के साथ अपने आप को जीना चाहते हैं, उनको मानते हैं, सबको संगठित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा मिशन है इनका और मैं बहुत खुश हूँ इस मिशन से जुड़कर, और मैं भी अपनी सेवाएं इस मिशन को देता रहूँगा। धन्यवाद। और आपका क्या मानना है कमल जी, ऐसे लोगों के लिए, दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे वृक्षों को लेकर के? जैसे कोरोना की अभी बात चल रही थी, कोविड में ऑक्सीजन की कमी हुई, वृक्षों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वृक्षों के लिए यही कहना चाहेंगे, जैसे आज इस संस्था के बारे में ये पता लगा कि ये जो वृक्ष लगाने का ही सबसे बड़ा उद्देश्य है, प्राणों से देने का से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। वृक्ष हमें प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। खाए पिए बगैर तो हम रह सकते हैं पर सांस के बगैर नहीं रह सकते। ये ऑक्सीजन जो हमें वृक्ष दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा कार्य वृक्ष लगाना ही है और मैं चाहूँगा हर व्यक्ति को ये उद्देश्य बना ले, एक वृक्ष जरूर लगाए, कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाए और उसका संरक्षण भी करें साथ साथ लगाने के बाद। क्योंकि होता क्या है, वृक्ष लगा देते हैं लोग, उसका संरक्षण नहीं कर पाते, जिनके कारण वो सही से बढ़ नहीं पाते हैं। तो सब संरक्षण भी करें उसका और लोगों को प्रेरित भी करें, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ऐसा वक्त आया था जब लोग घरों में बैठे हुए थे, तब संस्थाएँ NGO खुल के बाहर आए थे, उनमें से हमारी संस्था भी थी जो खुल के बाहर आई, जीवितेश फाउंडेशन, और हमने लोगों को अवेयर किया कि लोग इस सेवा करें। लोग घबरा रहे थे, लोग कह रहे थे नहीं, हमें बताना नहीं चाहिए, इसको फेसबुक पर डालना नहीं चाहिए कि हम खाना बांट रहे हैं, लोगों के घरों में सेवा कर रहे हैं, ये नहीं डालना चाहिए। तो मैंने कहा जब तक हम लोगों को प्रेरित नहीं करेंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, तो लोग कैसे कार्य करेंगे। तो मैंने उनको कहा था, पंजाबी में एक कहावत है, मैं करदा तू भी कर, तू सड़िया ना कर तू भी कर। तो मींस कि आप भी सेवा करो, मेरे से प्रेरित हो के आप भी प्रेरित हो और आपसे लोग और प्रेरित होंगे, सब सेवा करें। ऐसे ही इस संस्था का भी उद्देश्य है, जगह जगह घर घर पेड़ लगाएं और लोगों को प्रेरित करें कि ऐसा कार्य करें ताकि हम वातावरण पे शुद्धता आए, और शुद्धता आएगी तो हमारे मन और विचारों में भी शुद्धता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में हमारे साथ जेवी ग्रीन फाउंडेशन के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, जगराम यादव जी। जगराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आज की ये मीटिंग के बारे में बताएं आप, किस तरह की मीटिंग रही है, सम्मान समारोह है? जेवी ग्रीन फाउंडेशन मुख्य रूप से अभी तक ब्रज में ही काम करता आया है, लेकिन साइलेंटली और धीरे धीरे हमारे से जुड़े हुए लोग, हजारों लोग देश भर में काम कर रहे हैं। दिल्ली में सबकी इच्छा ये थी कि एक साथ हम बैठें, तो आज ये संस्था की परिचय बैठक रखी गई है करोल बाग दिल्ली में, और साथ में जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनके लिए सम्मान समारोह था, और एक महिला विंग की बहुत दिन से डिमांड आ रही थी तो महिला विंग की शुरुआत की गई है। और इसी तरह से आज जो मीटिंग हुई है उसका बहुत अच्छा जोश था, और आगे कार्यकर्ता मुझे लग रहा है दिल्ली से भी बहुत बड़ा एक आने वाले समय में मैसेज पूरे देश में जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि महिला विंग की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, और यहाँ पर हमारे साथ महिलाएँ भी हैं जिन्होंने शुरुआत की है जेवी ग्रीन फाउंडेशन। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो यहाँ मीटिंग हुई है और इसमें यही चर्चा हुई है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना है, पोल्यूशन पे काम करना है, और संस्था हमारी आगे जाएगी और अच्छा काम करेगी। आपका क्या मानना है मैम आपकी? यही मानना है सर मेरा भी, पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। तो और कोई क्या कहेंगे आप मैम, आप बताएं क्या शुभ नाम है आपका?
ललिता सर, मेरा एक मैसेज है कि मोस्टली जब पार्क बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेड़ ऐसे पॉलीथीन के सहित ही लगा देते हैं, तो वो पेड़ ना मर जाते हैं। तो उसमें एक ध्यान रखना चाहिए कि उनकी पॉलीथीन हटा के लगाना चाहिए, बड़े बड़े स्केल पे ऐसा काम होता है। तो सर बस बाकी तो सब लोग बोल रहे हैं, मेरा यही मैसेज है। देखिए ये भी हमें हर जगह से अलग अलग मैसेज देखने को मिलते हैं, यहाँ भी हमें एक अलग मैसेज देखने को मिला। और हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक मैम, मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन उनसे पूछता हूँ मैं, जो कि डॉग स्टेशन का काम तो सब हर कोई कर लेता है, कोई डॉग स्टेशन चला रहा है, कोई अपनी संस्था चला रहा है, ये एक ऐसा स्टेशन चलाती हैं जिसमें सबके लिए वेलकम है, कोई भी हो पशु पक्षी जी। क्या शुभ नाम है मैम आपका? अंचल। मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं? हाँ। मैं लगभग 12 साल से सारे ही जीव जंतु, मेरे पास आज 5 कुत्ते घर पे ही हैं, मेरे पास एक छोटी गुरैया है, मतलब आपने देखी होगी, वो 2 दिन की थी, मुझे नहीं पता था उसको कैसे रखना है, बट धीरे धीरे करते आज उसे 3 साल हो गए, वो मेरे पास में है। मैंने सोचा उसको बाहर में छोड़ दूँ, उसको बाहर, मेरे पास मैना भी है बट वो नहीं जाते, वो इतना ज़्यादा जिसकी आंखें बंद होती हैं वो बिल्कुल मेरे पास ही रहता है। लेकिन मैंने कभी आज तक पिंजरे का इस्तेमाल नहीं किया अपने घर में, कोई पिंजरा नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कमरा है, सारे वो मेरे साथ में ही रहते हैं। उनसे बचपन से रखा तो उनसे लगाव हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह कर पाते हैं आप, और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ सभी को कंपैशनेट होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि जीव जंतु सभी एक हारमोनी में रहेंगे तभी सभी के लिए अच्छा है। हम क्या सिखाते हैं कि पशु पक्षी हैं इनसे अलग रहो, अपने आप में ही रहो, लेकिन नहीं, एनवायरमेंट तभी है जब उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी, बर्ड्स, सब कुछ एक इकोसिस्टम तभी बना रहता है। थैंक यू मैम। जैसा कि दर्शकों मेरे पीछे या मेरे साइड में और मेरे चारों तरफ जितने भी लोग खड़े हैं वो अपने आप में कुछ ना कुछ बहुत बड़ी हस्तियां हैं। अभी हमारे साथ सर मौजूद हैं जो कि बॉलीवुड से हैं, बॉलीवुड से सत्येंद्र जी हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देखिए जैसे जीवन ग्रीन फाउंडेशन की तरफ से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। जैसा कि सत्येंद्र जी ने भी जेवी ग्रीन फाउंडेशन के लिए क्या जी बताएं सर आप? आज मेरे परम मित्र हैं सत्येंद्र भाई गाजियाबाद से, संस्था ने उन्हें जिला अध्यक्ष के लिए एक निवेदन उनसे रखा है, जल्दी स्वीकृति होकर वो पास भी होगा और कार्यक्रम में आए 21,000 रुपये की घोषणा स्वतंत्र भाई साहब ने की है, वो जल्दी दे देंगे। और मेरे साथ आज के चीफ गेस्ट श्री कमल चिव जी ने, जो भी संस्था कभी कार्यक्रम दिल्ली में रखेगी और या कार्यकर्ताओं किसी कारण आना पड़े, कभी होटल में रुकना पड़े तो उसकी व्यवस्था भी कमल चिव जी ने संस्था के मुख्य ट्रस्टियों के पदाधिकारियों के लिए व्यवस्था की है। तो बहुत अच्छा सहयोग सबका मिला है, मेरे पास शब्द नहीं है मैं आज की खुशी को व्यक्त कर पाऊँ। दिल्ली में मुझे ऐसा लगा नहीं कि आज वास्तव में मैं कभी ब्रज से बाहर गया हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अभी अपने घर पे बैठा हुआ हूँ और ब्रज में हूँ, तो दिल्ली मेरा दूसरा आज से घर हो गया है। और NCR में बहुत बड़ा पॉल्यूशन की बड़ी समस्या है और इस समस्या को हम जल्दी निजात दिलाएंगे और जेवी ग्रीन फाउंडेशन मेरा पूर्ण भरोसा है बहुत जल्दी बड़े रूप में काम करेगी और यह अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। जैसा कि भाई साहब चलिए आ जाते हैं नारी शक्ति की ओर, नारी शक्ति की ओर से क्या व्यवस्थाएं रहेंगी दिल्ली में? दीदी पॉलीथीन पे काम करती है, पॉलीथीन से छुटकारा पाने के लिए, तो आज मेरे साथ आई है मेरी फ्रेंड है रीनू, ये कह रही है मैं कपड़ा के थैला सिल के गिफ्ट दूंगी हमारी फ्री से, फ्री से कपड़े के थैले जो भी पॉलीथीन से मुक्ति के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पहलवान जी, जैसा कि आप जानते होंगे पहलवान के नाम से लोग डरते ही हैं लेकिन हमारे साथ पहलवान जी मौजूद हैं। पहलवान जी क्या शुभ नाम है आपका, पूरा अपना परिचय दीजिए और बताएं हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना। मैं सुदेश कुमार जी दिल्ली से हूँ, करोलबाग का ही रहने वाला हूँ और आज जेवी ग्रीन फाउंडेशन से मैं जुड़ा हूँ। तो जैसे कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया पहलवान के नाम से डरते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक छवि ऐसी बन गई कि भी हट्टा कट्टा होगा और कब्जे करता होगा, इस प्रकार का ही व्यक्ति पहलवान होता है जी। पहलवान अभी आपको बहुत बड़ा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भी पहलवान थे जी, जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं देश के जी। तो पहलवान होने का मतलब है जो जिंदगी को जानता है, जिंदगी के नज़दीक रहता है। और कोरोना काल में हम लोगों ने देखा सेकेंड फेज और थर्ड फेज में जो सबसे ज़्यादा जरूरत रही हम लोगों को वो थी ऑक्सीजन की और वो हमें सिलेंडरों में लेना पड़ा जी। तो आने वाले समय में अगर भगवान ना करे इस प्रकार की त्रासदियाँ आएँ तो हमें सिलेंडर की जरूरत ना हो, हमारे पर्यावरण में इतनी वायु शुद्ध और ऑक्सीजन हो, जिसके लिए जेवी फाउंडेशन अपना कार्य कर रहा है। और मैं शुभकामनाएँ देना चाहूँगा जेवी ग्रीन फाउंडेशन को कि वो अपने लक्ष्य में प्रचंड रूप से सक्सेस हो और पूरे देश की जो जलवायु शुद्ध हो, ताकि हमें ऑक्सीजन सिलेंडरों में ना लेकर के वातावरण से ही हम सीधा ले सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पहलवान जी। अभी इस कार्यक्रम में मुख्य जो कार्य रहा
वो सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने सारे कार्यक्रम को देखा, सभी को पूछा, सभी से बात कीजिए। क्या शुभ नाम है सर आपका? बीरेन शर्मा है मेरा नाम जी। बीरेन जी कहाँ से हैं? मैं वृंदावन मथुरा से हूँ। बीरेन जी क्या मानना है आपको इस कार्यक्रम को लेकर या जेवी ग्रीन फाउंडेशन के लेकर, आप बताएं? जेवी ग्रीन फाउंडेशन का हमारा ये दिल्ली में कार्यक्रम है जी, और यहाँ पे जितने कार्यकर्ता आए हैं, कार्यकर्ता के साथ साथ में अपने आप में सब एक ट्रस्ट हैं। जितने भी कार्यकर्ता आए हैं सबका अपना एक ट्रस्ट है। कोई पॉलीथीन के लिए कार्य कर रहा है, कोई पशुओं के लिए कार्य कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए कार्य कर रहा है, और सभी ने मिलके जेबी ग्रीन फाउंडेशन के साथ में साथ चलने का संकल्प लिया है, और जिससे कि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। जो हम अभी ब्रिज में कार्य कर रहे थे, हमारा कार्य अब NCR में भी पूरी तरीके से हो रहा है, पूरी तरीके से फैल चुका है। हमको यहाँ आगे जितनी मजबूती मिली है उसके लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। हम आशावान हैं कि हम ब्रिज में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, NCR के पॉल्यूशन की परेशानी को भी निश्चित तौर पर उसमें निदान के लिए सहयोग करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बताएं क्या शुभ नाम है सर आपका? सबसे पहले मैं News 24 के सभी दर्शकों के लिए नमस्कार करता हूं और आपके न्यूज़ के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूं। और मैं पहले अपना परिचय दूं, मेरा नाम जयवीर सिंह आर्य है और मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। और ये जो जेबी ग्रीन फाउंडेशन है, इसका मुझे राष्ट्रीय संगठन मंत्री का दायित्व, मैं उसको निर्वहन कर रहा हूं। तो ये आज का जो कार्यक्रम था, कार्यकर्ता सम्मान समारोह, एक तरीके से कार्यकर्ता का आपस में परिचय, तो ये दिल्ली NCR में पहला कार्यक्रम था जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगराम भारती जी के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और इसमें दूर दूर से बहुत सारे लोग आए, सबका अपने अभी सबको देखा। इसमें केवल मिशन यही है, और सबसे आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे यही आह्वान करना चाहूँगा इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में हमारे सभी लोगों ने एक से एक सब बातें आपको बताई हैं, लेकिन जो हमारी मुख्य जो भोजन हमारे है बॉडी के लिए, हमारे जीवन को चलाने के लिए, वो है ऑक्सीजन गैस। तो आपको जो अभी कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगी थी कि उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर हमको खरीद करके लेना पड़ रहा था, उसके बावजूद भी हमें जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी, लेकिन वही ऑक्सीजन सिलेंडर आपको ना लेना पड़े, इसके लिए जेबी ग्रीन फाउंडेशन कार्य कर रहा है ताकि आप स्वस्थ और स्वच्छ श्वास ले सकें। जो श्वास हम ऑक्सीजन के रूप में भोजन करते हैं, तीन प्रकार से भोजन करते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस जी। ठोस के बिना कुछ समय रह सकते हैं, द्रव्य के बिना कुछ समय रह सकते हैं, लेकिन जो गैस के रूप में भोजन मिलता है वो पेड़ से मिलता है, पौधों से मिलता है और प्रकृति से मिलता है। वही पेड़ पौधों का संरक्षण, उनका संवर्धन करने का काम जेबी ग्रीन फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है, जो एक प्रकार से आपका भोजन भी है। तो मैं आप सबको, सभी दर्शकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि जेबी ग्रीन फाउंडेशन से अधिक संख्या में आप जुड़ें और अपना भोजन तैयार करें, और एक तरीके से प्रकृति से जो हम लेते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ये पंक्ति जो हम देते हैं कि प्रकृति हमें देती है कुछ ना कुछ, ये समाज हमको देता है, सम्मान देता है, हमें आगे बढ़ाता है, तो वैसे ही देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो ये पेड़ पौधों को संरक्षण के माध्यम से हम एक कुछ अपना सहयोग प्रकृति के लिए दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि जी आप और हमारे साथ यहाँ संगठन के कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, क्या शुभ नाम है सर आपका? शॉर्ट शब्दों में अपनी बातें। तेज बहादुर, और जेबी ग्रीन फाउंडेशन की तरफ से मुझे दिल्ली प्रभारी का जिम्मेदारी सौंपी गई है जी। और बहुत अथक प्रयासों के बाद मैंने रिक्वेस्ट करी थी उनसे कि दिल्ली के अंदर भी एक पहल होनी चाहिए जी। जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ तो बहुत प्रदूषण होता है दिल्ली में, तो उसी को बचाने के लिए ही तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि यहाँ पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ पाएँ। मेरा सिर्फ एक ही कहने का मतलब होगा, पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं, जिएं और जीने दें, जीवों को बचाएं। क्या शुभ नाम है सर आपका? शैलेंद्र पटेल। शैलेंद्र पटेल जी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? मैं इसमें संस्था में उपाध्यक्ष हूँ जी, और मेरा तो यही कहना है कि पेड़ एक सच्चा देव है, पेड़ से हम ये सीखें उसकी छाया के नीचे बैठ के कि हमारा जो वृक्ष है सच्चा देव, वो कभी खाने को नहीं लेता। मात्र 90 दिन, 3 महीने अगर उसको लगा दें तो प्रकृति माँ अपने आप संभाल लेती है, और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि वृक्ष से हमें सजेशन लेनी चाहिए कि किसी भी बरादर, कोई भी जाति का आदमी हो, कि वो धूप में तप करके हमें कैसे छाया देने का काम करता है। और यही कहना चाहूँगा, जय हिंद जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि जेवी ग्रीन फाउंडेशन के कार्य को देखते हुए दर्शकों, मैंने आपको पहले ही बताया और आज ही बता रहा हूँ, आज जेवी ग्रीन फाउंडेशन मथुरा ब्रज धाम से होते हुए चारों तरफ इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उसके कार्य इतने अच्छे से हो रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। आप भी पेड़ लगाएँ और जीवों को ऑक्सीजन दें। जैसा कि कोविड में आपने देखा 2000 रुपये का सिलेंडर मात्र 2 घंटे के लिए मिला, और यहाँ जेवी ग्रीन फाउंडेशन में अगर आप 2000 का खर्चा करके अगर आप जुड़ते हैं जेवी ग्रीन फाउंडेशन में, वृक्ष लगाते हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए आप सांस देने का कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD, गोपाल ठाकुर के साथ।